नमस्कार, मैं हूं पलक पांडे और जीसीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक नजर दिन भर की खबरों पर। नवरात्रि के प्रथम दिन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, मां शैलपुत्री का किया पूजन। नीट के परीक्षा में 720 में 720 लाया शोएब अख्तर और अनुष्का सिंह ने, पृथ्वीराज बने टॉपर। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, मतदाता जागरूकता हेतु पटना के डीएम कुमार रवि ने वेबिनार का किया आयोजन। कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने पहली लिस्ट में 30 करोड़ भारतीयों का नाम लिस्ट में जारी किया। गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के डुमरिया प्रखंड स्थित राज बलिया नदी पर पुल नहीं बनाए जाने से ग्रामीण हुए नाराज। पुल नहीं तो वोट नहीं देने का ग्रामीणों ने लिया निर्णय। बाराचट्टी थाना क्षेत्र के काहूदाग के समीप सवारी गाड़ी पलटने से 10 व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल, 2 को चिंताजनक स्थिति में रांची किया गया रेफर। बाल विकास परियोजना कार्यालय बेलागंज द्वारा डोर टू डोर चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। भाकपा माले एवं शोषित समाज दल ने जारी किया घोषणा पत्र। डीएवी पब्लिक स्कूल चतरा के छात्रों ने नीट के रिजल्ट में मारी बाजी। प्रतापपुर के लोधिया गांव में पुलिस ने छापेमारी में अवैध रूप से संचालित 3 शराब भट्टी को किया ध्वस्त। धोबी के घोड़ाघाट गांव में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत बनाए जा रहे नाले को अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, चिराग पासवान ने खुद गठबंधन से नाता तोड़ा और हम नीतीश को ही सीएम बनाएंगे। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में होगा ट्रायल। दिन भर की खबरों के लिए बने रहें जीसीपी न्यूज के साथ। धन्यवाद।